अल्लाह ताला सूरह फजर सूरह नंबर 89 आयत नंबर 15 से 19 छोटी छोटी आयतें हैं, एक बार घर को जाके वापस तर्जुमा पढ़िए। सूरह फजर, सूरह का नाम भी आसान है, फजर का वक्त, फजर आयत नंबर 15 से 19 क्या बता रहे हैं देखिए। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह फजर की, हम जब इनको अपने फजल से रिज़्क अता करते हैं तो मेरे बंदे बड़े फखर से कहते हैं ये मेरे अल्लाह का करम है मेरे पे, मेरा अल्लाह इज्जत दिया मेरे को, मेरे अल्लाह नवाज दिए मुझे। और जब हम इनको तंगी में डाल देते हैं तो ये कहते हैं अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया, अल्लाह ने मुझे जलील कर दिया। कैसा बोलते हैं? एक साहब हमारे पुराने शहर में रहते जो मेरी पहचानत के, मैं उनसे खैर खैरियत के लिए फोन करा बेचारों को, कैसे हैं भाई आप बोल के, अरे भाई कल रात में हम तो बड़े मियां से लड़ रहे थे, उनके अल्फाज हैं नऊज बिल्ला, अल्लाह से लड़ता है बोला, क्या बोल रहे हैं भाई आप? हाँ भाई हम तो लड़ रहे थे उनसे, उनको बोल रहे थे हम गरीबाई च मिले क्या जुल्म करने को, हमारे साथ कहीं कोई सब उनको और कोई भी नहीं मिले, कहते ऐसे बात बोल रहे हैं। यही है वो आयत में अल्लाह ताला से बोल रहे हैं। और जब थोड़ा तंग करते तो ये कहते हैं अल्लाह ने हमें जलील कर दिया। समझ में आ रही बात? अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं उसकी आयत, उसके बाद क्या आयत मालूम? हरगिज नहीं, ये तो वो लोग थे जो कभी गरीबों को खिलाते नहीं थे, भूखों को नहीं खिलाते थे, गरीबों का ख्याल नहीं करते थे, ना ही दूसरों को उभारते थे कि गरीबों का ख्याल करें, ना ही खुद भी नहीं खिलाते थे, दूसरे काम करने को गए तो उनको भी जूते मारते थे, हम है ना तुम गई को कर रहे हैं मिलकर ना। कुरान क्या था बोल रहा हूं अब, ये तो हर एक पे, मेरा बाप भी करा, मैं भी करा तो अप्लाई होती कुरान, कोई छुटे हुए क्या उससे? ना खिलाते थे, ना गरीबों को खिलाते थे, ना उभारते थे गरीबों को खिलाने पर। और क्या बोल रहे हैं उसके बाद मालूम अल्लाह ताला, और ये लोग ना हक दूसरों की जायदाद खा लिया करते थे। आयत बोल रहा हूं कुरान की, सूरह फजर सूरह नंबर 89 आयत नंबर 15 16 17 18 19। मैं क्यों डाल रहा हूं इनको मुसीबत में, बोले क्यों इनको देखे खींचा बोले इनके पास से, क्योंकि जब दिया तो इनसे जो कमजोर लोग थे उनको जो खैरात नहीं करते थे, उनकी भूख के वक्त उनको खिलाते नहीं थे, दूसरों को खिलाने पे उभारते नहीं थे, और नाहक विरासत का माल खा जाते थे। तफसीर क्या है मालूम? वहां पे विरासत के माल के खाने की, उससे मुराद बेवाओं की चीजें खा जाना, यतीमों का माल खा जाना है। औकाफ की प्रॉपर्टी किसके वास्ते? बेवाओं के और यतीमों के लिए थी। आयत क्या बोल रही? क्यों कर रहा बोल रहे अल्लाह ताला ऐसा? क्योंकि ये करते थे, और ये लोग पैसों के बड़े लालची थे बोल रहे अल्लाह ताला, इसलिए इनका से खींचा बोले रिस्क देखे। कुरान की आयत है और रज़ाक, तो अब आप समझना मेरी जिंदगी में ऐसा वबाल आ रहा मेरे पे, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ जुर्म कर रहा हूं बहुत बड़ा जिससे अल्लाह नाराज हो जा रहे हैं। मैं खुद सोच रहा कि मैं कोई गरीब को खिला रहा हूं या नहीं खिला रहा हूं। और देखो माशाल्लाह बाज लोग मेरे को पूछते भाई आप सोशल सर्विस क्यों नहीं करते? मैं सोशल सर्विस जो करता हूं, मेरा एक उसूल यह है कि सोशल सर्विस सबसे बड़ी जो मैं दिखावे की करता हूं वो ये है, ये दिखावे की सोशल सर्विस है। इसके अलावा जो सोशल सर्विस के अक्सर फोटो आते हैं, मैं वो फोटोओं से नफरत करता हूं, वो सिर्फ मेरा अल्लाह का मामला है। किसको देखो मैं कर रहा हूं? देखिए भाई मैं भी सोशल सर्विस करके इनको खिला रहा हूं बोलूं? अच्छा ठीक है, उसमें बाज लोग होंगे जो ये नीयत से कर रहे हैं कि ऐसा करने से किसी और को एनकरेजमेंट हो, इन्नमल आमालु बिन्नियात, उनका उनका मामला है। लेकिन बाज लोग कैसे इसमें से एक कैटेगरी, मैं ये समझता हूं कि अगर खालिस है आप कर दो, अल्लाह के हवाले आपका मामला रख लो, कोई फोटो की जरूरत नहीं है, अल्लाह का हिसाब है पूरा। दूसरा हाँ, आपकी नीयत है कि कुछ लोग एनकरेज हो जाए आपके अमल से, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है ये नीयत भी। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 261 से 273 तक जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसकी भी इजाजत, वो खैरात जो तुम खुल के देते हो या छुपके करते हो अल्लाह कबूल करता है, बोले खालिस नीयत रहना, बोले अग्रीड। कौन क्या नीयत से कर रहे हैं उनका अल्लाह का मामला है। तीसरी एक कैटेगरी रहती है इसमें, 4000 लोगों का सामान बताते एक फोटो में, 4 लोगों को भी नहीं पहुंचता, यह भी एक कैटेगरी रहती है उसमें। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, मैं वबाल क्यों लाता हूं बोल रहे हैं? वबाल इसलिए लाता हूं क्योंकि ये भूखों को नहीं खिलाते, और क्या नहीं करते ये लोग, बोले अल्लाह ताला उभारते भी नहीं, दूसरों को भी नहीं उभारते जाके खिलाओ बोल के भूखों को। और तीसरा
माल नाहक हड़प के खा जाते बोले, जायदादे विरासत का माल नाहक खाते बोले, और चौथा पैसे के लालची हैं बोले अल्लाह ताला।